हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्विक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक फॉर्म का जो डेटा है उसको आप कैसे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई भी कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे नीचे देखना है कि एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म रहता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डाल के आप सबमिट जब करते हैं तो वो कंपनी वाले के पास उनके डेटाबेस में चला जाता है कि किसी ने क्वेरी किया है। तो सिमिलरली, आप अगर अपने वेबसाइट में ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना चाहते हैं, या हो सकता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ पेमेंट गेटवे का पेज, तो इस टाइप का कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको पहले सीखना पड़ेगा कि ये फॉर्म का जो डेटा है ये सबमिट करने पर कैसे सर्वर पे जाके स्टोर होता है। तो ये जो प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं ये पीएचपी के मदद से आपको दिखाएंगे, पीएचपी और यहाँ पे माई सिक्यूएल डेटाबेस का हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बहुत ही ईजिली मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप एक फॉर्म को सबमिट करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, तो हम लोग जो आपको सिखाने वाले हैं ये डायरेक्ट सर्वर पे सिखा रहे हैं। आप अगर चाहो तो ये लोकल सर्वर पे भी कर सकते हो। जैसे आपको VS Code डाउनलोड करना पड़ेगा और XAMPP इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप सर्वर पे कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डोमेन है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं फाइल मैनेजर ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे और एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर देख रहे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल मैं बना लेता हूँ पहले, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो क्योंकि हम पीएचपी में बनाने वाले हैं तो पीएचपी का ले लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे पहले। ओके, क्योंकि हम फॉर्म को ही सबमिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको पीएचपी अभी शुरू नहीं कर रहे, एचटीएमएल से कर रहे पहले। तो हम ले लेते हैं फॉर्म। तो ये हमने फॉर्म ले लिया। फॉर्म के अंदर हम कुछ इनपुट टाइप्स डालेंगे। इनपुट मतलब हम क्या चीज़ इनपुट करने वाले हैं, राइट। तो नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड रिक्वायरमेंट, ऐसा करके चार फॉर्म हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम नेम लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट। टाइप में क्या है, नेम अगर लेंगे तो टाइप में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, राइट। तो टेक्स्ट लिया हमने, यहाँ पे फिर प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर में नेम। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म आ गया है जिसमें हमारा लिखा हुआ है एंटर योर नेम। इसके बाद सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फ़ोन नंबर के लिए, एड्रेस के लिए और रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर फ़ोन नंबर की हम बात करें तो फ़ोन में क्या होगा, फ़ोन में हमें नंबर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नंबर कर देता हूँ और एंटर योर मोबाइल नंबर कर देता हूँ, इसको मोबाइल नंबर। ओके, और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस लेंगे, नहीं तो ईमेल ले लेते हैं, ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल, ईमेल आईडी। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं कि रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होगा, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे हमने गलती कर दी कि यहाँ पे टाइप ईमेल होगा और यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट होगा। क्योंकि अगर कुछ कमेंट हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट लेना लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। तो टेक्स्ट में आप नंबर भी डाल सकते हैं, बट टेक्स्ट में नहीं तो नंबर में आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं एंटर योर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखिए हमारे फॉर्म के अंदर चारों ऑप्शन आ चुके हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट डालने का ऑप्शन। अब ये कुछ अजीब टाइप का लग रहा है तो इसके साइड में हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं। BR टैग से क्या होता है कि नीचे आ जाएगा। CSS में बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मेन फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो ये जो फील्ड है इसमें ये नॉर्मल फील्ड है, इसको अगर फिल नहीं करेंगे तो भी ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बिना इसको टाइप किए भी सबमिट हो जाएगा। बट इसके साइड में आप अगर रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो ये मैंडेटरी फील्ड हो जाएगा, बिकॉज़ ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड। ओके, एंड इसको हम ऑप्शनल रखते हैं क्योंकि कोई कमेंट नहीं भी कर सकता है, रिक्वायरमेंट नहीं भी लिख सकते, जस्ट कॉन्टैक्ट के लिए ऐसा डाल सकते हैं, राइट। तो इसमें हमने ऐसा कर दिया। अब लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट करने के लिए एक बटन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, बटन का नाम दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबमिट का एक बटन आ गया। ठीक
ठीक है। तो कस्टमर अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रिक्वायरमेंट डालने के बाद सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है तो ये फील्ड कर बिना फील्ड को यहाँ पे टाइप किए सबमिट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। तो फ़ोन नंबर, इसको नेम, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा, तो डालने के बाद ही करना पड़ेगा। और ईमेल में देखिए, ईमेल में एट द रेट के बिना भी ये सबमिट नहीं होगा ये फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म का एक नाम दे देता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। हाँ, तो ये इसके अंदर जो हम डेटा एंट्री करेंगे वो एंट्री किया हुआ डेटा कहीं पे तो जाना चाहिए, डेटाबेस में हम कैसे स्टोर करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे, एक डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। आप अगर सी पैनल यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप सी पैनल पे भी एक डेटाबेस बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस बनाते हैं फॉर्म नाम से, ठीक है। और पासवर्ड एक हम ले लेते हैं, test@123, test@123, ओके। अब फॉर्म का, ये डेटाबेस का नाम हमने दिया फॉर्म, ओके। तो देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर देखिए कोई भी टेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। तो कॉन्टैक्टर्स का टेबल है, तो यहाँ पे हम टेबल का नाम देते हैं कॉन्टैक्ट, ओके। और कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए हमें, 1 2 3 4, चार चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, पाँच ले लेते हैं, पाँच ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो 6 लेता हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गो पे क्लिक करा मैंने, पहला नंबर पे जो आएगा ये आईडी हम डालेंगे, और ये आईडी जो होगा ये इंटीजर होगा। और यहाँ पे AI जो लिखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब एक के बाद एक ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब भी एक फील्ड एंटर हुआ तो 1 आएगा, सेकेंड में 2 आ जाएगा, तो इस टाइप से ऑटो इंक्रीमेंट ऑन कर देना है। उसके बाद हमारे फील्ड में यहाँ पे क्या है कि कस्टमर का हम नाम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिक्वायरमेंट, ओके। तो यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम नीड लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टाइम को ये सबमिट हुआ है, तो वो टाइम हम सेव करने के लिए डेट एंड टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम किस टाइप में आएगा, ये वर्कर में आएगा, ये 200 में इसका लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी वर्कर, और ये इसका भी 200, सब मैं 200 ले लेता हूँ। नीड जो है, नीड थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट का कोई वैल्यू नहीं देना पड़ता, जितना बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, और ये जो डेट एंड टाइम है ये हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर टाइम स्टैम्प दे देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, या फिर टाइम एंड डेट भी आप दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, अब इसको कर देते सेव, डन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ कर लेंगे, फॉर्म में फॉर्म किस टाइप से सबमिट होगा और कहाँ पे जाके सबमिट होगा, ये दो चीज़ यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। एक तो होगा एक्शन, ये फॉर्म कौन से पेज पे जाके सबमिट होगा, तो हम चाहते हैं कि इंडेक्स पेज में ही सबमिट हो, index.php, ठीक है। और क्या होगा कि किस टाइप में ये सेव होगा, गेट में या पोस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक डेटा को सेंड करने के लिए दो टाइप का मेथड यूज़ होता है, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। गेट मेथड थोड़ा अनसिक्योर रहता है, जो कि यूआरएल के थ्रू जाता है डेटा। और पोस्ट मेथड में क्या क्या होता है, जो डेटा है वो किसी को दिखता नहीं है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मेथड यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले हम गेट का आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पे गेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा, ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। या यूआरएल को देखिए, यूआरएल को जस्ट नॉर्मल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और रिक्वायरमेंट मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडम, सबमिट किया। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ आया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं आया, ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पे बटन में हमने टाइप ही नहीं दिया है। बटन टाइप, बटन क्या करेगा, ये सबमिट करेगा, राइट।
तो बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट हो गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से डालता हूँ, सॉरी यहाँ पे और एक मिस्टेक हो गया मेरे से कि ये हमने यहाँ पे नेम ही देना भूल गया कि किस नाम से जाएगा ये। तो यहाँ पे और एक फील्ड हमें ऐड करना पड़ेगा, नेम। ओके, तो नेम में हम क्या डालेंगे बेसिकली कि ये क्या है एक्चुअली, किस नाम से भेजेंगे। तो यहाँ पे नेम हम दे देते हैं, नेम में हम क्या भेज रहे हैं, नेम भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम देंगे फ़ोन, यहाँ पे हम दे देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं नीड, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और रिक्वायरमेंट मैं कुछ भी लिख दिया, सबमिट। देखिए जब भी मैं सबमिट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए यूआरएल में पॉपुलेट हो रहा है, नेम अमित, फ़ोन इक्वल्स टू दिस, ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस एंड नीड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये अनसेफ तरीका हो जाता है जब आप कोई भी डेटा को डेटाबेस में डालते हैं गेट मेथड के थ्रू, ठीक है। बट ये भी पॉपुलर है, कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है। और पोस्ट में अब हम अगर देखेंगे तो पोस्ट में ये वाला जो यूआरएल के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये हमें कहाँ पे डालना है, डेटाबेस पर, राइट। तो यहाँ पे हम पीएचपी का एक कोड ले लेते हैं, पीएचपी ऑन करते हैं, पीएचपी टाइप से ऑन होगा और ये क्लोज करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटाबेस है डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा माई SQLi _ कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट लिखना है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट दे देना है। इसके अंदर हम किस टाइप से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा फर्स्ट में। इसके बाद एक कॉमा लगाना है, इसके बाद डेटाबेस का नेम, फिर से कॉमा लगाइए, ये आ जाएगा आपका पासवर्ड, और कॉमा लगा के फिर से यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस का यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए यही मेरा डेटाबेस का नेम है और यूज़र नेम भी सेम है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड हमने क्या दिया था, एक्चुअली मैं पासवर्ड भूल गया, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एक बार रिसेट कर लेता हूँ, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट एट द रेट 123, यही दिया था क्या सर पहले में, टेस्ट एट द रेट 123, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा कनेक्शन बन गया। और यहाँ पे और एक चीज़ हम लिख देते हैं कि अगर ये नहीं होता है तो एक मैसेज आ जाए हमारे पास, और यहाँ पे डाई फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। डाई में हम क्या लिखेंगे, कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड। और ये जो कनेक्शन का पूरा पेज है, पूरा क्वेरी है, तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, कनेक्शन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब इस पेज को चला के देखते हैं कनेक्शन हुआ है कि नहीं। देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कनेक्शन हमारा हो गया है, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेटा सबमिट होने पर यूआरएल पे आ रहा है, इसको हमें डेटाबेस पे स्टोर कराना है, यहाँ पे स्टोर कराना है, राइट। तो यहाँ पे डालने का मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना, इंसर्ट पे क्लिक करके नेम में आप कुछ डाल लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फ़ोन नंबर पे भी कुछ डाल लीजिए, ईमेल पे भी, और यहाँ पे नीड पे भी कुछ रैंडम से डाल के यहाँ पे गो कर दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में आपका पूरा क्वेरी बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए कॉपी बस सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉलर SQL, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली। और ये जो क्वेरी है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा हम पास करेंगे वो डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो डेटा हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं इफ इस सेट, इस सेट का क्या मतलब, इस सेट का ये मतलब है कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है, अगर मिल रहा है या नहीं, ठीक है, वो इस सेट से हमें पता चलेगा। तो इस सेट डॉलर _ गेट, तो हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि फ़ोन नंबर सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो अगर फ़ोन नंबर सबमिट होता है, ठीक है, तो ही इसके अंदर का जो क्वेरी है ये चलेगा, ठीक है।
तो एक क्वेरी को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको पहले हटा देते हैं, नॉर्मल से रखता हूँ पहले, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि अगर ये फ़ोन डॉलर अंडरस्कोर गेट के थ्रू आया है, मतलब गेट रिक्वेस्ट के थ्रू अगर फ़ोन यहाँ पे पॉपुलेट हुआ है, तो इसके अंदर जो कोड है वो चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम सारे वेरिएबल्स को एक बार ले लेते हैं यहाँ पे, डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि हम गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम गेट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते हैं नेम, तो और नेम जो यहाँ पे ये है, इसको हम एक वेरिएबल पे डाल लेते हैं, डॉलर नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। और इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, चार चीज़ें हैं इसलिए यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोन, इसके बाद हमारे क्या था, ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे है नीड, नीड, ठीक है। और इसको भी हम कर लेते हैं चेंज, फ़ोन, ईमेल, ये हो गया नीड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एंट्री करना पड़ेगा डेटाबेस में, अगर ये फ़ोन सबमिट होता है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम एक बार इको करके देख लेते हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दो ही इको करके एक बार देख लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल का जो क्वेरी हमने यहाँ पे कॉपी किया था, तो ये यहाँ पे डालेंगे, तो डॉलर एसक्यूएल इक्वल्स टू कोटेशन के अंदर ये डालिए और यहाँ पे टर्मिनेट करिए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट पे डालना है। कॉन्टैक्ट का जो हेडर्स हैं ये है हेडर्स, और इसके अंदर आईडी में हमें नल वैल्यू पास करना है, क्योंकि ये ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट में है। और यहाँ पे जो हमने नेम अमित लिखा हुआ है, इसके जगह पे आपको लिख देना है नेम। उसके बाद हमारा है फ़ोन, तो यहाँ पे लिख देना है डॉलर फ़ोन। उसके बाद है ईमेल, तो यहाँ पे डाल लीजिए डॉलर ईमेल, और लास्ट में है नीड, डॉलर नीड, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये जो इंसर्ट करेगा, ये किसके किसके अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है, वो हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेरी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी। क्वेरी में क्या लिखेंगे, पहले हमें पास करना पड़ेगा कनेक्शन। तो ये जो हमने कनेक्शन बनाया वो कनेक्शन हम पास करते हैं, कॉमा, कनेक्शन के अंदर क्या क्वेरी हम पास करेंगे, डॉलर एस क्यू एल वाला क्वेरी पास करेंगे, ठीक है। तो एस क्यू एल हमने पास कर दिया, अब यहाँ पे इसको करते हैं ख़त्म, तो ये इंसर्ट हो जाएगा इसके थ्रू। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर इंसर्ट हुआ है या नहीं, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ डॉलर क्वेरी की वर वाई इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये डन होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इको, इको करते हैं, इको मतलब डिस्प्ले, इको में क्या करेंगे, एंट्री डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड इनटू डेटाबेस, ठीक है, और क्लोज करते हैं क्वेरी को। तो चलिए हम लोग एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ये जितने भी यहाँ पे फॉर्म्स हैं इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, पहले ट्रंकुएट करते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, और इस पेज को भी एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं एकदम ब्लैंक पेज है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ईमेल आईडी, हाँ कुछ भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट मैं लिख देता हूँ, आई नीड एन ऐप ASAP, ठीक है, सबमिट करता हूँ। सबमिट करती देखिए ऊपर में क्या आ गया, डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड इनटू डेटाबेस, और ये कॉन्टैक्ट अस का जो पहले लिखा था वो लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम डेटाबेस पे चेक करते हैं, देखिए एंट्री हमारा हो गया, यहाँ पे मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सॉरी ईमेल आईडी और नीड, और यहाँ पे डेट एंड टाइम, किस टाइम पे ये सबमिट हुआ है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ठीक है। और एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ और नाम से डालते हैं, फ़ोन नंबर हमने एक दे दिया, ABCD@hotmail.com, और रिक्वायरमेंट में
मैंने कुछ भी रैंडम सा लिख के यहाँ पे कर देता हूँ मैं सबमिट, ठीक है। फिर से डेटा सक्सेसफुली एंटर्ड, तो यहाँ पे देखिए फिर से देखिए आईडी दो नंबर आईडी में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा हेल्प हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए इस टाइप का वीडियोस देखने के लिए, और आपको अगर पसंद है वीडियो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो डेटा हमने सबमिट करा है, इस सबमिट को आप अपने वेबसाइट में कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।